What does the graph say? Hello friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. कल निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे. कल फ्राइडे यानी लास्ट डे है वीक का, तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है कल के लिए, ये हम देखेंगे. तो सबसे पहले आज के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये आज का पिक्चर है यानी 19 दिसंबर आफ्टर मार्केट और से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा आज का वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमारा आज का ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,238 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,198. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. निफ्टी इंडेक्स ये जो लेवल्स है इसके बीच में ओपन हुआ और उसके बाद में ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके ये बाउंस बैक हुआ, तो इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक कर दिया और उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 12,251 ये यहाँ पर अचीव्ड हुआ. और एक्सपायरी का दिन था तो काफी एक स्लगिश अपसाइड मूव हमें आज दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखने को मिला. तो इस प्लान के अकॉर्डिंग आज 8 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 6,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था आज के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, बाद में निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे. ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का. अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न. ये है कप का पोर्शन और ये बन रहा है इसके हैंडल का पोर्शन. तो अभी इसका ये जो नेक लाइन बन रहा था इसका इसने ब्रेकआउट देने के बाद हमें ये बैंक निफ्टी में जबरदस्त अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है. और बैंक निफ्टी इंडेक्स भी अभी अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंच गया, यानी इस लेवल के पास बैंक निफ्टी पास्ट में कभी भी नहीं था. फर्स्ट टाइम निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स ने ये हाई लगाया. तो यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन करने के लिए हम डेली चार्ट में फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज करेंगे और यहाँ पर वीकली चार्ट में कहाँ सपोर्ट हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए इसको आइडेंटिफाई करेंगे. अगर लास्ट 3 वीक्स देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था अराउंड 31,950 के पास. 3 वीक लगातार इसी के पास आके ये इसने रेजिस्टेंस फेस किया. तो अभी इस वीक का लो भी ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास है, तो ये फर्स्ट हमारा सपोर्ट बन सकता है 31,950. और उसके बाद अगर ये भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा हमारा अराउंड 31,340 के पास, जहां पर अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसने डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया था. 2 बार इसने इस लेवल के पास एक रेजिस्टेंस फेस किया था और यहाँ पर एक स्विंग लो बनाकर ये अभी बाउंस बैक हुआ है. तो 31,340 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल हो सकता है एज पर वीकली चार्ट. ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है. अभी डेली चार्ट पर चलते हैं. यह बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, इसमें हमने फिबोनाची, ये इसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे. तो यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को हमने यूज किया है ये लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़ के. तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 38.2% का लेवल इसने अचीव किया, बाद में 50, बाद में 61.8% का लेवल इसने अचीव किया. यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और अभी लास्ट 2 वीक्स यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है और लास्ट अभी 2 दिन यहाँ पर हम देख सकते हैं डोजी जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है ऊपर के लेवल्स पे. तो यहाँ पर हो सकता है एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले, एक करेक्शन देखने को मिले. हालांकि एज पर वीकली और डेली चार्ट के हिसाब से काफी बुलिश है स्ट्रक्चर बना हुआ है. शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ये कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है और हायर हाई हायर लो उसका पैटर्न यहाँ पर चल रहा है. तो ऊपर हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है, प्रोजेक्शन कर सकते हैं हम 32,385 का हमारा नेक्स्ट यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए टारगेट हो सकता है. तो ये एक हमारा बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स है एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल. तो ये है नेक्स्ट वीक के लिए, आने वाले वीक के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आप अपना पोजीशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. आगे बढ़ने से पहले जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं नए और जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं ट्रेडिंग फैब के बारे में बताना चाहूँगा.
ट्रेडिंग फैब की जो टीम है वो दिन भर एफएनओ स्टॉक्स को लाइव मार्केट में मॉनिटर करती है, और जो इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है वो हमारे मेंबर्स के साथ टेलीग्राम ऐप के ऊपर शेयर करते हैं। तो अगर आपको इसे लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके मोबाइल के ऊपर टेलीग्राम ऐप को आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। उसके बाद हमारा जो ये वीडियो होता है उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो वहाँ पर हमने ये हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स है उसके लिंक यहाँ पर दिए हुए हैं, वो आपको सिर्फ क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग सेगमेंट है, कैश मार्केट है, बैंक निफ्टी है, स्टॉक ऑप्शन है, स्टॉक फ्यूचर है, तो इनमें जो लाइव मार्केट में जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आती है इंट्राडे के लिए वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और जो हमारे प्रीमियम मेंबरशिप प्लान्स है उसके लिए अगर आपको जानना है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक ऑफर है, ट्रेडिंग फैब ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है या फिर भाई पैसा है। तो अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप फ्री में मिल सकती है। तो उसके लिए आपको करना क्या, इन तीनों में से कोई एक अकाउंट आपको ओपन करना है तो सिंपली इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ के इंस्ट्रक्शंस आपको सिर्फ फॉलो करने हैं, आपका मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आपको डालना है, तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक बार आपको क्लाइंट आईडी मिल जाता है तो आपको सिर्फ हमारे नंबर पे ऊपर कॉल करके वो कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। काफ़ी इजी है, ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। और एक चीज़ है, ये अपस्टॉक्स और फाइव पैसा का अकाउंट ओपनिंग एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री अकाउंट ओपनिंग है। तो ये था एक ट्रेडिंग फैब के बारे में क्विकली इंट्रो, तो आगे बढ़ते हैं। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे निफ्टी का भी। ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट, यहाँ पर भी वीकली चार्ट में एक्सट्रीम बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है और निफ्टी इंडेक्स भी अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो अभी अगर इसे हम यहाँ पर भी फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करें लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़ के, तो आप देख सकते हैं ये अभी 38.2% के लेवल के पास है, कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। तो अभी 12,240 के ऊपर नेक्स्ट 50% का लेवल आ रहा है जो कि 12,366 के पास है। ये हम लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर कल अपसाइड मूव आता है तो कल के कल ही हमें 12,300 के ऊपर निफ्टी इंडेक्स जाता हुआ दिखे, लेकिन अगर यहाँ से अगर थोड़ा भी करेक्शन आता है तो 12,240 के नीचे ये निफ्टी इंडेक्स क्लोज हो सकता है। ये एज पर वीकली चार्ट की हिसाब से हम बात कर रहे हैं, चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में हमने यहाँ पर आरएसआई में देखा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, ये इसका लेफ्ट शोल्डर, कलर चेंज कर देता हूँ, ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये इसका राइट शोल्डर, और इसका नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद ऊपर प्राइस में भी हमें जबरदस्त अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक बना था कल भी, और अभी आज भी एक उसी टाइप का एक कैंडल बना है, हालांकि ये कन्फर्मेशन नहीं है, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का कन्फर्मेशन नहीं है, कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर बियरिश कैंडलस्टिक बनना होगा ऐसे, और इसका लो यहाँ पर ब्रेक करता है तो ही ये पैटर्न कंप्लीट होगा, अभी सिर्फ सिग्नल है, कन्फर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट अगर यहाँ से और भी अपसाइड मूव आता है तो हमने वीकली चार्ट में देखा हमारा इस पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल के हिसाब से हमारा लेवल आ रहा था तो काफ़ी ऊपर आ रहा था। तो ये है डेली चार्ट और वीकली चार्ट का सिनेरियो। 60 मिनट के चार्ट में चलेंगे कहाँ पर इंट्राडे लेवल्स हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, कहाँ पर टारगेट हो सकता है इसको आइडेंटिफाई करेंगे। यह 60 मिनट का चार्ट, इसमें हमने लास्ट स्विंग हाई लो को पकड़ के एक फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, तो 61.8% का लेवल यहाँ पर अचीव हुआ है, यहाँ पर ही रेजिस्टेंस फेस किया था, अभी आज इसने यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया है। तो अगर कल ये निफ्टी इंडेक्स आज का हाई ब्रेक करता है यानी 12,267 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,288
ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 12,300, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा कल के लिए। और अगर टुवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट का ये जो लेवल आ रहा है इसी के पास इसने ये सपोर्ट टेस्ट किया था उसके पहले दिन, यहाँ पर उसी के पास एक रेजिस्टेंस फेस किया था। तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए पिवट पॉइंट के, तो पिवट पॉइंट का ये जो लेवल अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,224, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा ये 20 EMA के पास जो कि अराउंड अभी 12,200 के पास है, तो 12,200 हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स, कल के लिए इंट्राडे लेवल्स। तो अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।